अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जिस तरह से पॉस्को एक्ट में एक कानून है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए, आज 5 दिन हो गए और ब्रजभूषण सिंह जी की गिरफ्तारी नहीं हुई, ये बताता है। हम तो यही चाहते हैं कि इस देश में जो दुराचारी शासक बैठे हुए हैं, जो अनाचारी शासक बैठे हुए हैं, अपने अनाचार और दुराचार की नीति से किसानों को, मजदूरों को, खिलाड़ियों को, पहलवानों को परेशान किया जा रहा है, उनके नीति के खिलाफ इस देश के एक नौजवान को खड़ा होना चाहिए। देखिए, उनके बयान ही बताता है कि उनकी मानसिकता किस प्रकार की है। बेटियों के विषय में ऐसा बोलना मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सेना, उनकी फौज अपराधियों को बचाने में लगी है, जैसे कुलदीप सेंगर को बचाने में लगे थे, जैसे चिन्मयानंद को बचाने में लगे थे। देश का सम्मान, आज देश का गौरव, आज देश का स्वाभिमान सड़कों पर बैठा हुआ है, वो पीड़ा में है, लेकिन सरकार कर्नाटक में चुनाव प्रचार में व्यस्त है। ये भाषण जीवियों की सरकार जो इस देश के अंदर चल रही है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ भाषण की नीति को स्थापित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आज महिला रेसलरों का धरने का 13वां दिन है और अभी तक कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आया है। हम मेरे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र, हम इनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है, अभी तक एक भी ट्वीट नहीं आया है प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से, क्या कहना चाहिए? अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जिस तरह से पॉस्को एक्ट में एक कानून है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए, आज 5 दिन हो गए और ब्रजभूषण सिंह जी की गिरफ्तारी नहीं हुई, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के गृह मंत्री जी तक, तमाम लोग उनको सत्ता का संरक्षण दे रहे हैं। जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह जी ने कहा कि यदि सरकार कहे, यदि मेरे नेता कहें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इसका यही मतलब है कि प्रधानमंत्री जी ने उन्हें संरक्षण दे दिया है और उन्होंने कहा है कि तुम डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, यह स्पष्ट करता है। निश्चित तौर पर आज देश का सम्मान, आज देश का गौरव, आज देश का स्वाभिमान सड़कों पर बैठा हुआ है, वो पीड़ा में है, लेकिन सरकार कर्नाटक में चुनाव प्रचार में व्यस्त है। ये भाषण जीवियों की सरकार जो इस देश के अंदर चल रही है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ भाषण की नीति को स्थापित कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये किसी जाति धर्म की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है, देश के युवाओं की लड़ाई है, देश को बनाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई सिर्फ खिलाड़ियों के सम्मान की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई एक व्यक्ति जो पिछले 4 महीनों से हिंदुस्तान के कानून को, न्याय प्रणाली को, नियम को, संविधान को ताक पर रख करके जेब में लेकर के घूम रहा है और शासन प्रशासन को चिढ़ा रहा है, ऐसे व्यक्तियों को जवाब देने की लड़ाई है कि तुम्हारी हैसियत और तुम्हारे लिए संविधान ने तय किया है कि तुम्हें किस तरह से रहना है, संविधान और कानून को तय करने की भी ये लड़ाई है। जब आपने बोला संविधान की बात, तो कुछ लोग कह रहे हैं, अभी आपने देखा नहीं होगा, कुछ लोग यहाँ हिंदू राष्ट्र की मांग भी करने के लिए आए थे कि हिंदू राष्ट्र बनता तो महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं आपसे ये सारी बातों को साइड में रखते हुए मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ब्रजभूषण शरण सिंह का बार बार जो है वो हमले कर रहे हैं कि नहीं, महिलाएँ झूठ बोल रही हैं, हमें वो खुद गले लगाती थी, उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि गले लगाया हुआ, कुछ इस तरीके की तस्वीर आ रही है और उनका बयान भी आ रहा है। देखिए, उनके बयान ही बताता है कि उनकी मानसिकता किस प्रकार की है। बेटियों के विषय में ऐसा बोलना मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सेना, उनकी फौज अपराधियों को बचाने में लगी है, जैसे कुलदीप सेंगर को बचाने में लगे थे, जैसे चिन्मयानंद को बचाने में लगे थे, जैसे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के आरोपियों को बचाने में लगे थे, आज ब्रजभूषण सिंह जी को भी बचाने में भाजपा की सेना लगी है। और हम यही कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करिए, नहीं तो जिस तरह से 75 में इस देश के एक छात्र नौजवान शिखर पर पहुंचाई थी, जिस सरकार को इंदिरा जी को शिखर से शून्य पर लाया था, आज 24 में हिंदुस्तान के एक नौजवान आपकी सत्ता को शिखर से शून्य पर लाने में कमी नहीं करेगा, इस देश के एक नौजवान सक्षम है। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है ये इंडिपेंडेंट है, इसको गृह मंत्री चलाते हैं, ऑब्वियसली बात है गृह मंत्री के अंदर में है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की छवि है कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती है, लेकिन पुलिस जिस तरीके से इनके साथ व्यवहार कर रही है। देखिए, मैं इसमें पुलिस की गलती नहीं मानता हूँ, ऊपर से उनका दबाव है, गृह मंत्रालय का दबाव है, शासन प्रशासन का दबाव है, और वो बेचारे, उनको पता है कि खिलाड़ी सही है, भाजपा के लोग गलत है, लेकिन वो इस दबाव में है कि वो सवाल नहीं उठा सकते हैं। जिस तरह से मैं रामायण काल की एक बात आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लगी और हनुमान जी हिमालय में संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तो रावण ने कालनेमी को भेजा और कहा कि इन काम को विफल कर देना है। आज जिस तरह से इस देश के अंदर महिलाओं की पीड़ा के खिलाफ, महिलाओं के लिए संजीवनी बूटी देने का काम जो ये खिलाड़ी कर रही हैं, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली पुलिस को कालनेमी के तौर पर भेजा है, लेकिन जो हैसियत और जो परिणाम
रामायण काल में कालनेमी क्या हुआ था और रावण का हुआ था, कलयुग में भी जो वर्तमान की कालनेमी है, जो वर्तमान के रावण है, उनका भी यही हालात होने वाला है। मैं सरकार से ही कहना चाहूँगा कि अगर आप अंग्रेज बनने की कोशिश करोगे तो इस देश के एक नौजवान, एक बेटा बेटी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की तरह तुम्हारा जवाब देना जानती है। अगर आप डगलस बनने की कोशिश करोगे तो इस देश के एक बुजुर्ग अपने बेटे बेटियों के स्वाभिमान की रक्षा। प्रधानमंत्री को रावण कह रहे हैं? प्रधानमंत्री हम क्या कह रहे हैं, हम इनकी नीतियों को रावण कह रहे हैं। भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत लोकतंत्र है और इस देश में नेता का विरोध नहीं होता है, नीति की विरोध होती है। हम नीति की तुलना रावण से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की तुलना रावण से नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इस देश के एक बुजुर्ग बिरकुंवर सिंह बन करके डगलस की तरह तुम्हारा जवाब देना चाहता है। इस देश के एक युवा बसंत कुमार विश्वास की तरह फांसी के फंदों पर लटकना जानता है। हम इस देश के खिलाड़ियों के लिए, इनके सम्मान के लिए लड़ेंगे और आज इस देश के एक नौजवान, छात्र, किसान, मजदूर, इस देश के खिलाड़ियों के सम्मान, परिवार बात कर रहे हैं, जाति बात कर रहे हैं, इसके पीछे कांग्रेस है, कांग्रेस राजनीति कर रही है, इनको पैसे दे रही है, ये लोग राजनीति में आना चाहते हैं। एक बात समझिए कि जब इस देश के बेटे बेटी, इस देश के खिलाड़ी विश्व में जाकर के माँ भारती के नाम को गौरवान्वित करने का काम किया था और मेडल लेकर के हिंदुस्तान में आए थे, वो किसी जाति का मेडल नहीं था, वो राष्ट्र का मेडल था। और प्रधानमंत्री जी फोटो जीवी बन करके फोटो खिंचवा रहे थे, आज उनको ये जाति का आंदोलन लग रहा है? ये जाति का आंदोलन नहीं, ये राष्ट्र का आंदोलन है, राष्ट्र के स्वाभिमान का आंदोलन है। हमें ये समझना पड़ेगा। जिस तरह से इस देश के अंदर अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, भाजपा की पॉलिसी है डाइवर्ट एंड रूल। ये मुद्दों को भटका करके हिंदू, मुसलमान, जाति, धर्म, अगड़े पिछड़े के नाम पर इस देश को भटकाना चाहते हैं, लटकाना चाहते हैं। इनकी नीति भटकाने और लटकाने की है। सबसे ज्यादा मुसलमान तो गलत कर भी रहे हैं ना। कैसे गलत कर? गलत, अतीक अहमद को देख लीजिए, कितना बड़ा गैंग। वो भारतीय जनता पार्टी की नीति जाति और धर्म के नाम पर। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जब अंग्रेज देश में आए थे और अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच के प्रेम को देखा तो उन्होंने मंदिरों में गाय के मांस और मस्जिदों में सुअर का मांस पिकवा करके हिंदुस्तान के सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया था। आज भी इस देश के अंदर सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से इतिहास में बापू ने सवज्ञ अवज्ञा आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, इस देश के एक नौजवान 2024 में कहने वाला है कि 1942 में नारा लगा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, 2024 में नारा लगेगा अंग्रेज के चापलूसों तुम गद्दी छोड़ो, इस देश के युवा कह रहे हैं, देश के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान कह रहे हैं। तो 2024 में क्या रुख लेगा राजनीति? हम तो यही चाहते हैं कि इस देश में जो दुराचारी शासक बैठे हुए हैं, जो अनाचारी शासक बैठे हुए हैं, अपने अनाचार और दुराचार की नीति से किसानों को, मजदूरों को, खिलाड़ियों को, पहलवानों को परेशान किया जा रहा है, उनके नीति के खिलाफ इस देश के एक नौजवान को खड़ा होना चाहिए। जिस तरह से 77 के आम चुनाव में देश का नौजवान खड़ा हुआ था, 2024 में भी इस देश का नौजवान तक लड़ पाएंगे? जिस तरीके से पुलिस आप लोगों पर, इस तरीके का जो खिलाड़ियों पर कर रही है, इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे पूर्वज 90 साल अंग्रेजों से लड़े थे। पहली क्रांति 1857 में हुई थी और 1947 में इस देश को आज़ादी मिली थी। तब तक इस देश के लोग लड़ेंगे, तब तक इस देश के खिलाड़ी लड़ेंगे, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक ब्रजभूषण सिंह पर FIR नहीं होता, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाता, तब तक लड़ा जाएगा ये लड़ाई। तब तक छात्र साथ रहेंगे? बिल्कुल, हमेशा से छात्र साथ रहे हैं। 75 में भी छात्रों ने आंदोलन किया था, अब भी छात्र ही आंदोलन करेंगे और खिलाड़ियों के साथ डटे रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या था? रवि पांडे। रवि पांडे हमारे साथ थे और इन्होंने बहुत अच्छा बोला है सरकार की नीतियों के खिलाफ और ये बोल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग लड़ेंगे। पहले भी छात्र लड़े थे और आज भी छात्र लड़ेंगे, लेकिन इनको इंसाफ दिला के रहेंगे। पूरी खबर पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।